हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है पंजाबी कढ़ी। पंजाबी कढ़ी हर किसी को बहुत पसंद होती है, मेरे बच्चों की बहुत फेवरेट है, तो आज मैंने वही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपने इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। हमने लिया है लगभग 2 लीटर छाछ, काफी लोग इसको बटर मिल्क बोलते हैं तो कुछ लोग मट्ठा भी बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 लीटर छाछ लिया है, साथ ही हमने ली है कुछ लहसुन की कलियाँ जिनको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। हमने बेसन लिया है लगभग 100 ग्राम, साथ ही हमने लिया है 1 पिंच मीठा सोडा। हमने यहाँ पर 1 बड़ा प्याज लिया है जिसको हमने बारीक चॉप किया है, साथ ही हमने यहाँ पर कुछ लाल मिर्चें ली हैं, ड्राई मिर्चें जो मार्केट में मिलती हैं वो हमने ली हैं। ड्राई मसालों में हमने लिया है नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लौंग, मेथी दाना, लाल मिर्च पाउडर, हींग, साथ ही हमने लिया है मस्टर्ड ऑयल। आप जब भी कढ़ी बनाएं तो हमेशा मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करें, उससे उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। कढ़ी का जो छोक होता है वो हमेशा मस्टर्ड ऑयल में ही बनाना चाहिए। साथ ही हमने लिया है पानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम एक बाउल में बेसन लेंगे। हम लगभग 2 से 3 चम्मच बेसन अलग ले लेंगे जिससे हम कढ़ी के लिए पकौड़ी तैयार करेंगे। इसको हम अलग निकाल देते हैं। अब इस बेसन में सबसे पहले हम डालेंगे नमक। हमने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, बीच में चेक कर लीजिएगा। हम इसमें डालेंगे लगभग 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, इसमें अभी फिलहाल हम 1/2 छोटा चम्मच डालेंगे, बाकी हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हम इसका एक थिक सा घोल तैयार करेंगे। हम इसका घोल अलग इसलिए भी तैयार करते हैं जिससे कि हम इसके जितने भी लम्स हैं वो इजीली निकाल लें। काफ़ी लोग डायरेक्ट छाछ में डाल के भी मट्ठे को फेंटते हैं, लेकिन उससे लम्स बहुत मुश्किल से निकलते हैं। अगर आप इस तरह से करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ेंगे। आप देख सकते हैं इसका एक बड़ा स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो गया है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब इस पेस्ट को हम अपने छाछ में मिलाएंगे हल्के हल्के हाथ से, हम दोनों को मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं आए हैं, ये एकदम स्मूथ तैयार हुआ है। अब हम इसको एक साइड में रखेंगे और जो हमें पकौड़ी बनानी है उसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। पकौड़ी बनाने के लिए जो पेस्ट हम बना रहे हैं उसमें सबसे पहले हम डालेंगे मीठा सोडा। इससे आपकी पकौड़ी बहुत सॉफ्ट बनेंगी। काफ़ी लोगों की ये कंप्लेन होती है कि हमारी पकौड़ी बहुत हार्ड हो जाती हैं, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं रहती हैं। तो आप उसमें केवल 1 पिंच मीठा सोडा डाल दीजिए, आपकी पकौड़ी बहुत सॉफ्ट बनेगी। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक और 1/2 छोटा चम्मच के आसपास ही हम इसमें मिर्च डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे पकौड़ी के हिसाब से। थोड़ा सा हमें इसे थिक रखना है, बहुत पतला नहीं करना है। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिएगा जब भी आप पकौड़ी बनाएं तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी पेस्ट नहीं होना चाहिए, उससे पकौड़ियाँ थोड़ी हार्ड हो जाती हैं। तो पेस्ट थोड़ा सा ढीला रखिए, पतला रखिए, तो आपकी पकौड़ी बहुत अच्छी बनेंगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम छोक की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रखेंगे। आप जब भी कढ़ी बनाएं तो हमेशा किसी गहरे बर्तन का इस्तेमाल करें, क्योंकि बेसन होने की वजह से कढ़ी फूलती है और वो बार बार बाहर निकलने वाली होती है। अगर आपका बर्तन छोटा होगा तो आप उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे और वो बाहर निकल जाएगी। इसलिए जब कभी भी आप कढ़ी बनाते हैं तो हमेशा किसी गहरे बर्तन का इस्तेमाल करें, चाहे आप भिगोना ले लें बड़े साइज़ का या एक बड़े साइज़ की कढ़ाई ले लें।
तो उससे आपको बनाने में बहुत ईजी रहेगा। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम एक स्पून की हेल्प से या आप हाथों से चाहें तो हाथों से छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाएंगे। आप देख सकते हैं ऑयल में डालते ही पकौड़ियाँ बहुत अच्छे से फूल गई हैं। इससे आपको ये मालूम होगा कि आपका बैटर बहुत अच्छा बना है और आपकी पकौड़ियाँ भी बहुत सॉफ्ट बनेंगी। काफ़ी लोग कढ़ी में आलू की पकौड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप चाहें तो इसमें एक आलू काट के डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर पर क्योंकि सबको प्लेन पकौड़ी ही पसंद आती है तो मैंने यहाँ पर प्लेन पकौड़ी बनाई है। लेकिन अगर आप आलू की पकौड़ी बनाकर डालना चाहते हैं तो आप एक पतला सा काट के आलू भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी पकौड़ियों का कलर गोल्डन हो गया है, अब हम इनको निकाल लेंगे। हमने बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई है, उसका रीज़न है कि जब हम इनको कढ़ी में डालते हैं तो जितना इनका साइज़ है ये फूल कर जस्ट डबल हो जाती है, क्योंकि ये कढ़ी को अपने अंदर सॉक कर लेती हैं जिससे ये एकदम फूल जाती हैं। अब हम इसी कढ़ाई में छोंक तैयार करेंगे, लेकिन क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा है तो पहले हम इसमें से थोड़ा सा ऑयल निकाल देंगे। ऑयल हमारा गर्म है, हमने जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल था वो सब निकाल दिया है। अब हम इसमें सबसे पहले रेड चिली, प्याज, हींग, आधा छोटा चम्मच हमने हींग लिया है, साथ ही यहाँ पर हम एक चम्मच मेथी दाना लेंगे। सभी को हम अच्छे से भून लेंगे। इसमें हम साथ ही गार्लिक भी डाल देंगे, हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। आप देख सकते हैं प्याज, लहसुन, मिर्च, मेथी सभी बहुत अच्छे से भून गए हैं, काफ़ी अच्छा गोल्डन कलर भी आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा भून लेंगे। जो हमने घोल तैयार किया है उसको हम छानते हुए कढ़ाई में डालेंगे। इस तरह से अब हम इसको अच्छे से चला देंगे। अब हमें इसे तब तक चलाना है जब तक कि इसमें एक बॉयल ना आ जाए। ध्यान रखिएगा जब तक इसमें उबाल नहीं आता है आप इसको लगातार चलाते रहिए, नहीं तो आपका जो छाछ है वो फट जाएगा और कढ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसलिए जब तक उसमें एक उबाल नहीं आ जाता है हमें उसको चलाते रहना है। उबाल आने के बाद फिर हम इसको लो फ्लेम पर बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। उबाल आने में इसमें 20 से 25 मिनट लग गए हैं। अब हम इसको लो फ्लेम पर लगभग आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। कढ़ी को हम जितना ज़्यादा पकाते हैं उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आता है, तो अब हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। बीच बीच में आप इसको एक दो बार चलाते रहिएगा जिससे कि ये तली में चिपके नहीं। आधा घंटा हो गया है, आप देख सकते हैं हमारी कढ़ी एकदम पक गई है और काफ़ी थिक भी हो गई है। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, लगभग एक चम्मच हमने इसमें गरम मसाला डाला है। मिक्स कर देंगे गरम मसाले को। अब हम इसमें पकौड़ियाँ डालेंगे। पकौड़ी डालते हुए पकौड़ियों को बीच में से ऐसे तोड़कर डालिएगा। आप देख सकते हैं पकौड़ी डालते ही वो फूलने शुरू हो गई हैं। ये देखिए जब आप इसको थोड़ी देर के लिए ढककर छोड़ देंगे तो ये और भी ज़्यादा फूल जाएंगी। अब ये बिल्कुल तैयार है, गैस हम ऑफ कर देंगे।
सर्व करने के लिए हम इसका एक तड़का बनाएंगे। हम एक छोटा पैन लेंगे, इसमें हम 2 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे। घी गर्म हो गया है, अब हम इसमें 3 से 4 लौंग डालेंगे। साथ ही हम एक और मिर्च लेंगे, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। इनको हम फ्राई करेंगे। आप चाहें तो आप लौंग को जब हम छोंक तैयार करते हैं तब भी डाल सकते हैं। लौंग की खुशबू बहुत अच्छी आती है और जिसको कढ़ी की थोड़ा जो उसमें खटास होती है उससे प्रॉब्लम है तो ये उसके लिए भी अच्छी है। अब हम इसमें थोड़ी सी रेड चिली डालेंगे। यहाँ पर हमने कलर वाली चिली ली है। गैस ऑफ करेंगे। इस तड़के को अब हम जिस बाउल में हम सर्व कर रहे हैं उस पर हम इस तरह से डालेंगे। हमारी पंजाबी कढ़ी एकदम तैयार है। ये बहुत टेस्टी है, बहुत यमी है, आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप इसको ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही मेरी रेसिपीज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।